नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल इविंग ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। देखिए सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और आज जो है सोनू का फरमाइशी खाना बनाने वाली हूँ। यानी वो बहुत दिनों से बोल रहा था कि नारियल की चटनी खाना है, तो फाइनली मैंने यहाँ पर देखिए नारियल आधा जो है तोड़ कर काट लिया है। उसके साथ ही देखिए मूँगफली, चना दाल, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया ले लिया है। इतने सारे हरा मिर्च जो है बच्चों के खाने में तो नहीं डालूंगी, लेकिन पहले उसका पीसने के बाद ही फिर बच्चों के लिए डालूंगी। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, आज मैंने मूंग का दाल भी फ्राई किया है। उन दोनों भाइयों के लिए मूंग के दाल फ्राई किया था थोड़ा सा, तो उनको ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो फाइनली जो है इतना सा मूँग के दाल बचा है, तो ये कल देने के लिए बोली हूँ। अगर पूरा खा जाएगा ना तो भी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इसे रख देती हूँ नीचे। और चूहों की वजह से मैंने इस पीपो में जो है सामान थोड़ा बहुत रख दिया है, ज़्यादा तो नहीं है, बस ऐसे कुछ मतलब थोड़ा सा ये दिखाई देती हूँ। चलिए इसमें सूजी वगैरह बच जाता है ना, सूजी हो गया या धनिया पाउडर, मतलब कुछ भी। अभी सामान कहाँ से होगा, अब तो और सामान होगा भी नहीं, अब मुझे चाहिए भी नहीं, बस मेरा बच्चा पल जाए ना, इतना सा ही सामान चाहिए। देखिए खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए खाली है, बस इसमें थोड़ा सा सोनू का ही सामान है, यानी दोनों भाइयों का ही है। थोड़ा सा सोयाबीन रखी हुई है 25 ग्राम जितना, ताकि उसे टिफिन में बना दे सकूं। और थोड़ा सा सूजी बच गया था जो इसमें डाल दिया, क्योंकि सारे डब्बे वगैरह चूहे पूरी तरह से काट खाया, बड़ा बड़ा भी, इस वजह से, नहीं तो फिर इसमें क्यों डालूँ। और इसी के साथ है ना, मैंने नाइट का काम स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए बर्तन वगैरह मैंने अभी अभी क्लीन किया है और सिंक अभी तक साफ़ नहीं किया है, इस साइड साफ़ कर दिया उस साइड में। तो सोचा था पानी का चेरी वहाँ रखूँगी, लेकिन वहाँ रखूँगी नहीं चूहों की वजह से। और इधर जो है अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं किया इसलिए, क्योंकि मैं अभी गैस पट्टी वगैरह साफ़ करने वाली हूँ। और बॉटल वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया, चेरी यहाँ पे रख दिया, लेकिन यहाँ से उठा लूँगी मैं चटनी पीसने के बाद में, क्योंकि किचन में जगह कम है इसलिए। और देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहा है मेरी, तो भगवान से यही दुआ है कि मेरे बच्चे जो है सही सलामत पल जाए और ना ही मुझे उनके बिस्तर को पड़ी है और ना ही किसी और चीज़ का। तो देखिए दोनों बच्चे बेसुध पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझे तो पता है कितना ख़राब है, लेकिन आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक मासूम बच्चा जिनके पूरी तरह से डाइट प्लान जो है मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों आपका जो है अनहेल्दी हो रहा है, पहले इनका वजन वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन इनका वजन अब है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। छोटू की हालत देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रही है, और सोनू का तो हालत है ही पहले से ख़राब। तो सोनू के लिए दवाई लाई हूँ, छोटू के लिए नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि मैं दोनों का खर्चा अफोर्ड कर पाऊँ। तो सिर्फ सोनू का दवाई आया, छोटू का नहीं आया। छोटू का मेरे पास घर में रखा हुआ था पैरासीटामोल, मैंने वही दे दिया, और बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो मैंने पहले भी कहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा पल जाए, मेरी तबीयत सही रहे, उसके बाद में सब कुछ करूँगी। और यहाँ पर ये वाला पर्दा जो है सोनू ने मतलब इस तरह खोल दिया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मच्छर आता है। तो चलिए इसे हटा देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा उमस बढ़ गई है, तो ये उमस की वजह से है ना उनको तकलीफ़ हो रही होगी। थोड़ा सा कूलर चला देती हूँ। और आजकल हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता, यानी मेरे वाले मोटर में पानी नहीं चला पा रहा है। देखिए कितनी हालत ख़राब हो रही है। क्या कर रहे? हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ? मैं यही हूँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, यही हूँ। सो जाओ सो जाओ, कूलर चला रही हूँ, सो जाओ। ठीक है, सो जाओ सो जाओ। क्या हुआ, टॉयलेट करोगे? नहीं, ये रहा मम्मी का तकिया, टॉयलेट करोगे? हैं, टॉयलेट करोगे बेटा? सोनू टॉयलेट करोगे? तो उठो आ जाओ, टॉयलेट करोगे तो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सोनू को आज भी है ना नींदों में उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आ जाओ बेटा, ये रे मम्मा, ये रे हाथ दो, लो आ जाओ, आ जाओ, आ मेरी बेटी, आ जाओ। इसको नींदों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और ख़ास करके हम दोनों की लड़ाई में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। भगवान उस इंसान को कभी शांति ना दे, जैसा उन्होंने मेरे बच्चे को तड़पाया ना वैसे तड़पे। टॉयलेट करोगे? तो उठो खड़े हो, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, मेरी बेटी रे, उठो बैठो,
आ जाओ, खड़े हो बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों देखिए, रोटियों को बच्चों ने ना पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया है, ये छोटू और सोनू दोनों मिलाकर। ऊपर की पपड़ी तो खा गए और बाकी देखिए क्या कर रखा है, ये रोटियों को तार तार कर दिया। अब ऐसे ही खाना पड़ेगा, क्या करें, फेंकूँ, कितना फेंकूँ, हर चीज़ों को ऐसे ही कर देता है। और ऐसे रोटी खाने में भी जोर आता है, तो चलिए खा लेती हूँ। दोस्तों अभी वो मतलब टॉयलेट के लिए उठ गए हैं, तो फाइनली मैं सोच रही हूँ ये वाला दवाई उसे दे दूँ, क्योंकि अभी एक ही दवाई दी थी, दो दवाई बची हुई थी, तो ये दवाई दे के सुलाऊँ ताकि थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो, नहीं तो दवाई लाने का मतलब क्या है। और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो दोस्तों जो भी बचा खुचा काम है वो मैं अभी रात को करके उसके बाद ही सोऊंगी, इससे सुबह थोड़ा सा सही होगा, नहीं तो मेरी तबीयत आज भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब ही है। एक्चुअली कि मेरे पास पहले की दवाई रखी हुई है, ऐसा लगता है जैसे उनका दवाई का जो एक एक्सपायरी डेट होती है ना, शायद वो निकल गई है, क्योंकि मेरे पास ये मेडिसिन है और ये बहुत पुराना लग रहा है, अभी का नहीं है, शायद अभी ख़त्म हो गई है। तो क्या करूँ, अब कहीं जा नहीं पाती हूँ, बहुत दूर है मेडिकल और डॉक्टर भी, और ख़ास करके पैसा भी तो नहीं है ना, यही दवाई लेके काम चला रही हूँ, इस वजह से सही नहीं हो पा रही हूँ पूरी तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती फिर किसी नेबर के साथ में, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी नेबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।